नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज देख रहे हैं इस वक्त आप। और इस वक्त की ये सीधी तस्वीरें पानीपत टोल प्लाजा के ठीक सामने की ये आप देख पा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले पानीपत टोल प्लाजा पर बवाल हो जाता है और ये कंपाइने जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कंपाइने चली थी पंजाब की ओर से, लेकिन इन्हें यहाँ पर रोक लिया जाता है। टोल के लिए टोल इन्हें देना पड़ेगा, नहीं तो यहीं पर इन गाड़ियों को रोक लिया जाएगा। ट्रैक्टर आप देख सकते हैं, कंबाइने आप देख सकते हैं, लेकिन यहां पर बवाल हो जाता है। और इस बवाल के बीच मौके पर पहुंचती है पुलिस, और पुलिस के पहुंचने के बाद क्या होता है वो इन्हीं से जानेंगे। तस्वीरें देख सकते हैं कि अपनी स्क्रीन पर कई कंबाइने यहाँ आपको खड़ी नज़र आएंगी। और यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जैसे कि कुछ जानकारी कुछ देर पहले मिली थी कि कंबाइनों को यहां पर रोक लिया गया था, जिसके बाद पूरा विवाद हुआ, हंगामा हुआ पानीपत टोल प्लाजा पर। क्या कुछ विवाद हुआ था, किस कारण ये हंगामा यहां पर हुआ, क्यों पुलिस पहुंची, वो जानने का प्रयास करेंगे। सर, अपना सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। चरणजीत सिंह। कहां से आप आए हैं, कहां आप जा रहे हैं? गुरदासपुर से आए हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ था, क्या क्यों, क्या हंगामा हुआ था यहाँ पर? भाई साहब 500 रुपया हार्वेस्टर का एक मांग रहे हैं। अच्छा, टोल प्लाजे वाले। अच्छा, तो इसका लगता नहीं तो क्या देंगे इसको? 500 रुपये टोल क्रॉस करने? हाँ, क्रॉस करने का एक। अच्छा, एक का। अच्छा, तो इसका तो लगता नहीं। तो क्या किया फिर आपने? हमने प्रदर्शन करना चालू कर दिया फिर। अच्छा, वही तो फिर पुलिस तो बता आई है। हाँ, उसी ने बुलाई। अच्छा, टोल वाले ने। फिर क्या हुआ? टोल वो बोले पर्चा काट देंगे। हमने बोले पर्चा काट दो, हमने टोल प्लाजे पर हंगामा करना चालू कर दिया, धरना लगाना चालू कर दिया। फिर बोलने लगे कि चले जाओ तुम। फिर ऐसे ही निकाला? हाँ हाँ, ऐसे निकाला। गाड़ियाँ जा रही हैं? ये तो 100-200 गाड़ी जा रही है, किसी ने भी अभी तक लाया नहीं। जो कल्ला आता है हार्वेस्टर वाला उसको ले लेते हैं। अच्छा, तो जो 2-4 गाड़ी इकट्ठी आती है उसको नहीं लेते, जो बोलता आगे उसको उसको नहीं लेते। तो दोगे आप आगे भी, क्योंकि टोल आपको मिलेंगे, दोगे आप टोल? नहीं देंगे, पीछे भी नहीं देंगे, पीछे भी नहीं दिया किसको, हम नहीं दिया। अच्छा, तो किसान आंदोलन चला उस समय, पूरे जो टोल थे वो फ्री रहे, और अब टोल आपसे लेने शुरू कर दिए हैं। किसान नेताओं ने ये कहा था किसानों की जो गाड़ियां जाएंगी उनसे टोल नहीं लिया जाएगा। भाई साहब, इसने तो फिर गुंडागर्दी करनी चालू कर दी है, ये तो फिर टोल मांग रहे हैं। आंदोलन फिर चालू कर देंगे जी, दोबारा मांगेंगे। अच्छा, फिर शुरू कर देंगे? हाँ, फिर दोबारा चालू कर देंगे। दोबारा से फिर आंदोलन शुरू हो सकता है यदि इसी प्रकार। टोल टैक्स यदि किसानों से लिया जाता है, किसान अब टोल प्लाजा से निकलते हैं, कई बार बवाल हो देखा गया है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही आपने एक वीडियो देखी थी कि किसान नेता रवि आजाद की गाड़ी को टोल प्लाजा पर रोक लिया जाता है, उसके बाद पूरा विवाद वहां पर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद आज पानीपत टोल प्लाजा पर बवाल हुआ। कुछ और लोग हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या क्या पूरा विवाद हुआ था, किस बात पर विवाद हुआ था? पहले गुरदासपुर से आए हैं, आते वक्त 5-6 से टोल लगे हैं जी। किसी का टोल नहीं लिया, क्योंकि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है, इसका टोल लगता नहीं है। पानीपत आए जहाँ पे इन्होंने गाड़ी रोक ली है, 500 रुपये एक का बोल रहे हैं, कहते लगेगा जो मर्जी कर लो, देना ही पड़ेगा, लगता ही नहीं, कहाँ से दें। उन्होंने पुलिस भी बुलाई है, बाद में जहाँ से ही पानीपत से कोई किसान आगू आए हमारे साथ, और हार्वेस्टर थी 10-12 थी हमारे साथ पीछे, सारे आके उन्होंने प्रदर्शन किया, बोला नहीं देंगे टोल प्लाजा। तो पुलिस वाले बोलते पर्चा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बोला था जो मर्जी कर लो, भी टोल प्लाजा नहीं लगता, एग्रीकल्चर का है इम्प्लीमेंट, ये कौन सा कमर्शियल यूज़ के लिए हम लेके जा रहे हैं। तो ठीक है, बाद में बोला एक 2 घंटा हमको रोक के रखा, फिर सीजन चल रहा है वो भी टाइम ख़राब किया हमारा। तो बाद में जब सारे इकट्ठे हुए तो बाद में बोला भी जाओ जाओ, ऐसे बोल दिया, बाद में नहीं दिया। किसानों ने ये कहा था किसानों की कोई भी गाड़ी है उसे टोल नहीं देंगे, बगैर टोल के निकलना पड़ेगा, क्या लगता है फिर से गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी है, क्योंकि ये कौन सा, हम अपने घर का काम कर रहे हैं, ये तो हमारा खेती बाड़ी के साधन है, हम तो इससे जहाँ से गुरदासपुर से पीछे 700-800 किलोमीटर आगे जाना है अभी भी, तो ऐसे ही ये कितने टोल प्लाजे हैं, ऐसे तो लाखों रुपये ऐसे ही खर्च हो जाएंगे हमारा, तो नहीं देंगे टोल प्लाजा। किसानों का जो आंदोलन है वो अभी शुरू, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जो जिन बातों पर बातचीत हुई थी सरकार के साथ वो मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई, लगातार किसान उस बात को उठा रहे हैं। लगता है यदि इस प्रकार से परेशान किया तो फिर से टोलों को फ्री कराया जा सकता है, करवाया जा सकता है, आंदोलन होगा फिर से, अगर ऐसे ही करते रहे तो। रोज कितनी गाड़ी आ रही है, अगर साथ में आती है तो फिर भी रोकते हैं, एक का 500 मांग रहे हैं, सभी गाड़ी का, ट्रैक्टर का, कंबाइन का, हार्वेस्टर का, सभी का 500 मांग रहे हैं, अगर दोबारा ऐसे मांगे तो आंदोलन फिर से शुरू होगा। अभी और कितनी गाड़ी आ सकती है पंजाब की तरफ से? पीछे से तो 1000 गाड़ी आएंगी अभी तो। अच्छा। हाँ, पीछे से तो बहुत गाड़ी है, अभी रोज
कल भी गई है, आज भी गई है, सुबह की बहुत जा रही है। अब आपने देखा ही होगा जहाँ से बहुत गाड़ी जाएंगी। अभी कहाँ पे जा रहे हो अभी आप? हम तो फिलहाल पलवल जा रहे हैं। पलवल जा रहे हैं, तो देख सकते हैं यदि इसी प्रकार से किसानों से टोल वसूला गया, इनकी गाड़ियों को रोका गया, तो फिर से आंदोलन खड़ा हो सकता है। आज पानीपत टोल प्लाजा पर भी बवाल खड़ा हो गया, मौके पर पुलिस बुलाई गई और देखिए उसके बाद इनकी गाड़ियों को यहां से निकाला गया, बगैर टोल दिए यहां से निकले हैं। कि इसके बाद आप टोल दे करके आए हो, फिर टोल दिया फिर आपने? नहीं सर, नहीं दिया। अच्छा, हमको पहले बोले 500 रुपया लगेगा एक एक गाड़ी का जी, तो हमने बोला नहीं देंगे। एक आदमी उसका गार्ड आया, बोला 105 रुपए दो हम तुझे निकाल देते। अच्छा। हमने बोला हम 105 रुपए नहीं दिए, हम तो अपने किसानों के साथ हैं, जैसे ये जाएंगे वैसे हम जाएंगे, बस इतना। पहले 500 रुपए मांगे, फिर बाद में 105 रुपए मांगे। एक उसका गार्ड आया था, ये हमने अपना हेल्पर भेजा, जब पूछो क्या बात हुआ, हेल्पर को बोला 105 रुपए दो इस तरफ से निकल जाओ। हमने बोला हम 105 रुपए नहीं देंगे, हम अपने किसानों के साथ जाएंगे। लगता है गलत मांग रहे हैं। गलत एक गुंडागर्दी करते, पंजाब हरियाणा का टूल तो उठाना चाहिए, सही बात है, बस इतने। किसानों ने भी ये कहा था कि पैसा नहीं देंगे, टोल नहीं देंगे। नहीं देंगे, हाँ हम सबने बोला नहीं पैसा किसी को नहीं देंगे, हम ऐसे ही जाएंगे। पानीपत तक आप पहुंचे हो क्या पंजाब से, कहीं टोल दिया आपने रास्ते? नहीं, हमने किसी को टोल नहीं दिया, पंजाब हरियाणा में किसी को नहीं दिया, यही पानीपत में इसने लफड़ा किया है। कितनी देर आपको रुकना पड़ा? हमको घंटा डेढ़ घंटा रुकना पड़ा। पुलिस भी आई थी जी? क्या बात हुई? नहीं हमको मालूम नहीं, हम पीछे थे बाद में। तो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं पानीपत टोल प्लाजा पर, कितनी गाड़ियां अभी रुकी हुई है, कंबाइनें यहां पर रुकी हुई है, और यहां पर कुछ देर पहले ही बवाल खड़ा हो जाता है, जिसके बाद इन गाड़ियों को, ट्रैक्टरों को, कंबाइनों को यहां से निकाल दिया जाता है। आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि पंजाब के रास्ते से सुबह से ही जो कंबाइनें हैं वो जा रही हैं, लेकिन यहां पर टोल इनसे मांगा गया। हालांकि ये कहा जाता है, इसे गुंडा टोल कहा जाता है, किसानों के द्वारा लगातार कई बार हंगामे यहां पर होते हैं। अब कुछ दिन पहले ही देखा था कि किसान नेता रवि आजाद के साथ भी इस तरह का बवाल हुआ, सोशल मीडिया पर वीडियो को काफ़ी वायरल हुई, और आज पानीपत टोल प्लाजा पर काफ़ी बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि यहां पर किसानों की जो गाड़ियां हैं, कंबाइनें हैं, इन्हें यहां पर रोक लिया गया था, जिसके बाद पुलिस को भी मौके पर बुला लिया गया, और यहां पर अब इन गाड़ियों को, कंबाइनों को, ट्रैक्टरों को यहां पर बगैर टोल दिए निकाला गया, क्योंकि यहां पर काफ़ी हंगामा हुआ। हंगामे के बीच यहां पर पुलिस को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद इन जो गाड़ियां हैं इनको यहां से अब निकाला गया है। क्या कुछ आपकी राय है, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें, क्योंकि लगातार किसानों की ओर से ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि वो किसी भी सूरत में टोल नहीं देंगे। आपकी इस पर क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। क्या ये जो पानीपत का जो टोल प्लाजा है, क्योंकि अभी हाल में आपने देखा था कि किस प्रकार से जो आसपास के जो ग्रामीण थे उनके ओर से भी प्रदर्शन किया गया था कि वो भी, आसपास के जो ग्रामीण हैं वो इसका टोल नहीं देंगे, उन्हें कई बार यहां से गुजरना पड़ता है, यहां पर उन्हें बार बार टोल देना पड़ता है, गुंडा टैक्स उनसे लिया जा रहा है, कई आरोप इनके ऊपर लगे थे, और आज फिर ये बवाल हुआ। क्या कुछ आपकी राय है, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें, और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें अपने सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ। मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज़, पानीपत। काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात, ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर,
पूछेंगे हम बताएंगे आप। खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।